हिम्मत हारने वाले छोटे रास्ते खोजते हैं। मेहनती लोगों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं, जी चुराते हैं मेहनत से, उन्हें छोटे छोटे रास्ते ही आसान लगते हैं। लेकिन जो लोग मेहनती होते हैं, उन्हें कोई भी रास्ता आसान नहीं लगता और उनके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो लोग दूसरा रास्ता खोज ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम मेहनत करने लग जाएंगे तो हमें छोटे रास्ते खोने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए आलस को त्याग कर अपने आप को अगर सुडोल और पतला और सुंदर बनाना है तो बिल्कुल आलस को छोड़ दीजिए, आज से ही त्याग दीजिए। बिल्कुल आलसी ना रहें, अपने आप पे ध्यान दें। अगर आपको ऐसे मोटे होकर ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, एक सुंदर सुडोल अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आलस को बिल्कुल छोड़ दें, बहाने ना बनाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने आप को चुस्तीला फुर्तीला और फिट रखने के लिए जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, योग करें, डाइट करें, 32 बार को फॉलो करें। और 32 बार करने से ही कितना भी मोटा व्यक्ति हो वह पतला ज़रूर होगा, एक साथ नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होगा। जब हम 32 बार करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे एक साथ नहीं दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ज़रूर दिखता है। उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आलस को त्याग दें, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं हासिल कर सकता। अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए हमें आलसी बिल्कुल नहीं होना है और हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान कहते हैं ना, जो हिम्मत हार गया उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता है। तो हिम्मत ना हारें, अपने आप में दृढ़ निश्चय और मन में पक्का विश्वास रखें कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कोई भी काम नामुमकिन नहीं है जब तक कि वह मन में इस बात को ठान न ले कि मुझे करना ही है और मैं करके ही रहूँगी या रहूँगा। तो वो इस काम को ज़रूर कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, खुद के शरीर से वो हो या किसी और फील्ड में वो काम कर सकता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ करने का जज्बा है और मन में ये दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हाँ मुझे कुछ करना ही है, दूसरों से हटके कुछ करके दिखाना ही है स्वयं के लिए ही, तो हम कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है और सुबह मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज ज़्यादा बेस्ट होती है। अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग की जगह आप आफ्टरनून में, इवनिंग में, जब भी समय मिले तब भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ और 32 बार को फॉलो करते हुए अपनी वेट लॉस जर्नी में धीरे धीरे अपने जो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह का अपना बॉडी फिगर चाहती हूँ, अपना वेट चाहती हूँ, जितना मैं लूज़ कर रही हूँ और साथ में अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ। और देखिए मॉर्निंग में मैंने पानी भरना होता है हम लोगों को, तो मैं पाइप से ना भरकर डायरेक्ट छत से अप डाउन करके भरती हूँ ताकि मैं सीढ़ियाँ और चढ़ूँ और मेरा एक्सरसाइज भी हो जाए। और देखिए रात के मैंने बर्तन यहाँ जमा दिए हैं, उसके बाद मैंने गैस पट्टी और गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैंने कर लिया है गर्म पानी। तो पानी मैं हस्बैंड को भी कभी कभी पिला देती हूँ, रोज़ वो नहीं पीते हैं बट मेरा डेली का रूटीन है, बट कभी कभी वो लेते हैं बट कभी ना भी लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं यहाँ नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा जाना तो आज नहीं है, मार्केट की तो छुट्टी है, बट थोड़ा बैंक वगैरह का काम है, तो फटाफट से उनके लिए लंच बना देती हूँ और उसके बाद मैं लूँगी मेरा ब्रेकफास्ट। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से लंच की तैयारी और चलिए चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए किचन में ही थी मैं और यहाँ पे मैं बनाऊँगी दो तरह की सब्जियाँ, पम्पकिन की बनाऊँगी, साथ में ये गिलकी है इसकी बनाऊँगी। हस्बैंड पम्पकिन नहीं खाते हैं, मेरे को तो दोनों सब्जियाँ बहुत ही फेवरेट हैं, मैं हर सब्जी खाती हूँ। सीज़न की हर सब्जियाँ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फल फ्रूट खाइए, जो भी सीज़न का फल है वो आराम से खूब खाइए, पेट भर के खाइए। हरी सब्जियाँ अपने खाने में बहुत अच्छे से इंक्लूड करिए। बट होता है ना, कुछ लोग शुरू से नहीं खाते हैं, उनको हम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं खिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो
सब्जियों को एक साथ तड़का लगा दिया है। मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी होता ही है तो मैं दोनों सब्जियों में एक साथ तड़का लगा दूंगी। और गाइज अभी उन्होंने बोला कि बैंक आपको भी साथ में चलना पड़ेगा, मतलब मेरा भी कुछ काम है बैंक में, मेरे बिना नहीं होगा, तो इसलिए मैं और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब जब मुझे भी साथ में जाना है तो मुझे जो भी घर का काम जितना हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी मैं करके इनके साथ चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सब्जियों में लगा दिया है तड़का, और यहाँ पे ये लगा दी है मैंने पम्पकिन की सब्जी में तड़का और साथ में गिलकी की सब्जी में, तो दोनों सब्जियों को एक साथ कंप्लीट कर लूँगी। गाइस हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब कुछ होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, और जितनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ हम खाएँगे ना तो हमारा पेट उनसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहेगा, उतना ही हम तली भुनी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। और हमेशा अपने पेट को मतलब एकदम खाली नहीं रखना है, और एकदम ऐसा नहीं कि जब हमें बहुत ज़्यादा कड़ाके की भूख लगे तब हमें खाना खाने बैठना है या अपना डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच करना है। जब हमें हल्की हल्की भूख लगने लग जाती है ना गाइस तभी हमें अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लेना चाहिए, उससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ भूख होती है तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति ना आने दें उससे पहले ही अपना टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लें, बट कभी कभी होता है ना नहीं हो पाता है तो फिर उसको हम दूसरी तरह से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गिलकी की सब्जी को लगा दिया है तड़का, और यहाँ पे कद्दू की सब्जी को भी लगा दिया, और फटाफट से मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक दूँगी क्योंकि हस्बैंड को तो खाना खिलाऊँगी, आज तो मेरा फास्ट है और ये मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है, मुझे अभी सडनली ध्यान नहीं था। तो मैंने यहाँ दो सब्जियाँ बना ली थी क्योंकि मुझे दोनों सब्जी ही फेवरेट हैं, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए मैं जब इनको लंच वगैरह करा के निकली थी ना तो बस मैं पूरा दिन मॉर्निंग से 12 बजे से निकलने के बाद मैं अब शाम को 5 बजे घर पर आ रही हूँ, और ये देखिए मैं बैंक गई थी साथ मैं मंदिर भी गई थी, और ये देखिए ढीले कपड़े, अब मतलब कितना लूज़ होता जा रहा है मेरा वेट, तो अच्छा लगता है कपड़े लूज़ होते जा रहे हैं और वेट भी लूज़ हो रहा है, तो गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी आती है जब हम कुछ करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना कहीं से तो बहुत अच्छा लगता है और हम मोटिवेट भी होते हैं। तो अपने आप को खुद मोटिवेट रखिए कि हमें करना है और हम कर सकते हैं, और फॉलो करेंगे तो ज़रूर होगा। गाइस जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ हमें परिणाम मतलब कभी कम कभी ज़्यादा मिलता है पर मिलता ज़रूर है, तो हमें मतलब उम्मीद आशा और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, और किसी जब काम को करने की ठान लेते हैं ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और गाइस देखिए मैं अपना उस टाइम लंच वगैरह नहीं कर पाई थी, तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी निकलना था तो फिर मैंने स्किप कर दिया, और जब स्किप कर दिया तो मैंने बाहर भी कुछ नहीं लिया और सीधा मैं अब यहाँ 5 बजे आकर ही फ्रूट्स ले रही हूँ, और फ्रूट्स मैंने बहुत सारे लिए हैं, फ्रूट्स मुझे पसंद भी हैं और बच्चों को भी पसंद है, और जो सीज़न का फ्रूट्स होते हैं ना गाइस वो खूब सारे खा सकते हैं, भर भर के खा सकते हैं जितना आपको मन करे, इससे फैट वेट लॉस होता है और फैट बढ़ता नहीं है। तो यहाँ मैंने अच्छे से आराम से 32 बार करके खा लिया है क्योंकि उस टाइम में जल्दी नहीं कर पाती, और यहाँ कपड़े धोने डाल दिए वॉशिंग मशीन में। तो गाइस मैं मतलब मंदिर चली गई थी तो मेरा कपड़े वगैरह धुल नहीं पाई थी, तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन में ही कपड़े डाल दिए आज तो, वरना मैं हाथ से ही धोती हूँ। और इसके बाद मेरा लंच कुछ भी नहीं था क्योंकि व्रत है तो व्रत में लंच नहीं करना है, सीधा डिनर करेंगे। तो डिनर में देखिए मैं बना लूँगी पम्पकिन की खीर, मतलब कद्दू की खीर, तो वो भी मतलब वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो वेट लॉस के लिए पम्पकिन की खीर मुझे ज़्यादा सही लगती है तो मैं वही बना लेती हूँ। और नमक नहीं खाना है तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खा नहीं सकते, सेंधा नमक होता है ना वो खा सकते हैं, बट मैं नहीं खा रही हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में भी मेरा कुछ मतलब नमक का कुछ भी नहीं था, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी करा था तो फ्रूट था, फूड में नमक नहीं था, और अब बनाऊंगी पम्पकिन की खीर तो उसमें भी बिल्कुल नमक नहीं होगा। तो आज मेरा वेट लॉस मत करने में जो सॉल्ट फ्री डे होता है ना तो एक और इंक्लूड हो गया है, तो मेरे वीक में 2 हो गए हैं। तो ऐसे ही मतलब जो एक दिन का तो हम करते हैं और अभी कभी ऐसा मौका मिले तो हमें एक दिन और कर लेना चाहिए, इससे भी हमारा बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है। तो गाइज अब मैं शाम का डिनर ही बनाऊंगी सीधा, और उसी से मेरा व्रत है जो उसको खोल लूँगी। तो चलिए करते हैं उसकी तैयारी। तो गाइज दिन में मेरे को मंदिर जाने का मौका मिला, काफ़ी टाइम बाद मैं मथुराधीश जी के मंदिर गई हूँ, बहुत लंबा समय हो गया था इसलिए मैंने मना भी नहीं करा और सारा काम छोड़ के मैं चली गई, क्योंकि जब हमें मौका मिले तो हमें उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए।
आज पता नहीं कैसे मेरा मतलब बन गया जाने का, वरना वो मतलब बहुत दूर मंदिर है और वहाँ फ़ोटो और वीडियो वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ मतलब कुछ भी मैं नहीं दिखा सकती। वहाँ का बहुत पुराना 400-500 साल पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे ये सब अलाउ नहीं है। और बाकी मैंने काफ़ी टाइम बाद मथुरा देवी जी के दर्शन करे और हम मानते भी उनको ज़्यादा ही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं आज ऐसा क्या होने वाला है या क्या मैं मतलब आज मेरे को मिल रहा है ऐसा, जब मैं उनके दर्शन करने गई। तो बहुत दिनों में जाते हैं ना, काफ़ी लंबे समय बाद तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस बस मंदिर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी वेट लॉस जर्नी तो साथ के साथ चली रही है, तो बस इस उससे ही गई थी कि मतलब मंदिर में गई हूँ तो भगवान से कुछ ना कुछ तो प्रेयर करूँ। और यही प्रेयर करी है कि मुझे मतलब जो मैं कर रही हूँ अच्छे से आराम से प्रॉपर कर पाऊँ, इसे बीच में स्किप ना करूँ, क्योंकि होता है ना हम मतलब नहीं कर पाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो बस वही प्रार्थना कर रही हूँ, साथ के साथ ये भी प्रार्थना करी है कि जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ गाइज मैं। उसके बाद भी अभी काफ़ी लंबा समय और सफ़र मुझे और भी तय करना है, काफ़ी टाइम लग रहा है। पर वो कहते हैं ना धीरे धीरे हम चलते हैं तो लास्ट में हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आई होप, मैं अपने आप से ही उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं इतना कर रही हूँ तो मुझे अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, वो चाहे मेरे यूट्यूब जर्नी में हो या मेरे वेट लॉस जर्नी में हो। और ऐसा बिल्कुल सच में कहा गया है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, सो ज़रूर मिलेगा। अब थोड़ा सा समय उसका कम या ज़्यादा हो सकता है गाइस, तो चलिए। तो गाइज़ यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने जो रात का डिनर होता है ना वो बच्चों को हस्बैंड को सबको करा दिया है, और उसके बाद कुछ बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए, कुछ अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़े से जो मखाने होते हैं ना उन्हें रोस्ट कर लूँगी और बनाऊँगी साथ में पम्पकिन की खीर। तो मखानों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो मखाने मुझे अच्छे भी लगते हैं, रोस्ट करे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा एक और सॉल्ट फ्री डे इंक्लूड हो रहा है, तो मैं उसको प्रॉपर रखूँगी। नमक और काली मिर्च अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए रोस्ट करके मैंने निकाल दिया, और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल के जो पम्पकिन है ना उनको डाल के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए ज़्यादा पम्पकिन नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो यहाँ पे मैं इस कढ़ाई में मैंने घी डाला, तो गाइस तेज़ गर्म था तो ये थोड़ा सा हीट हो गई थी कढ़ाई, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए पानी ऐड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जो मखाने सेके ना मैंने तो थोड़ा ये गर्म हो गया था, ये बात मुझे ध्यान नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है तो घी बहुत जल्दी से इसमें होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। तो देखिए फटाफट से मैंने पानी डाल के टेम्परेचर डाउन करा, ढक दिया तो ये कुक हो गया है। इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मैश करने के बाद मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी, और पकने के बाद बहुत जल्दी से मैश हो जाता है ये, और मुझे वेट लॉस के लिए बहुत ईजी और बहुत सही लगती है, इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। और इसको हलवे की तरह भी बना सकते हैं, बट उसमें घी का उपयोग होगा, इसलिए फिर मैं इसको खीर के ही रूप में बना रही हूँ, तो खीर ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे, इससे मेरा पेट भी अच्छे से फुल हो जाएगा और फुल फीलिंग आएगी मेरे को। यहाँ देखिए चीनी बहुत कम ऐड कर रही हूँ, ये देखिए 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि मीठा भी हमारा फैट बढ़ाता है, तो मीठा भी हमें अवॉइड ही करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, ड्राई फ्रूट्स डालने से ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाती, फैटी हो जाती, उसकी मतलब उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे मखाने ऐड कर दिए, तो मखाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत भी है और इससे फैट बढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खीर रेडी कर ली है, और ये देखिए खीर बन के तैयार हो गई है, और यहाँ पे मैंने मखाने भी ले लिए, और बस अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो मेरे आज शाम के डिनर में यही है, मखाने की खीर और पम्पकिन की खीर और मखाने, रोस्टेड मखाने। तो यहाँ देखिए गाइस व्रत है, तो मैंने पहले भगवान को भोग लगा दिया है, यहाँ पे मैं भोग लगा दूँगी, और भोग लगाने के बाद इसी को जो मैं भोग लगा रही हूँ ना इसी को मैं अपने व्रत में ले लूँगी। और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने वापस से भगवान को फिर एक बार भोग लगा दिया है, और यहाँ मैं आराम से बैठ के 32 बार चबा चबा के अपना व्रत खोल लूँगी। यहाँ एसी चला हुआ है तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ खोल ले रही हूँ। तो गाइस यहाँ मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और हो गई है नाइट, और आज मैं हल्दी वाला दूध नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी,
तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।